एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के ऑल 25 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, जो आपके पर्टिकुलर एग्जाम में बोल सकते हैं कि 1 दिसंबर ये आपका जो 2022 का एग्जाम हुआ था, जिसमें 9 एम से लेकर के 10 एम के बीच में आपका ये पर्टिकुलर मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, जिसमें आपके जो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं इन सारे क्वेश्चंस को काफी इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से, इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप जो है फर्स्ट वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जो आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही जो आपका ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन के जो भी आपके 40 सेट्स हैं, 40 सेट्स को मैं आने वाले समय में मैं सारे सेट्स को जो काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आप देखेंगे कि मैं कितने डिटेल में जाकर के क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, तो इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एसएससी सीजीएल के जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो का लैंग्वेज क्या होगा, बाइलिंगुअल वीडियो होता है। बेसिकली मैंने जो है क्वेश्चंस को इंग्लिश में जो है आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा, और मैं इसको हिंदी में बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होता है। दोनों मीडियम के एस्पायरेंट्स जो है आप बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है कि टर्म बैक स्टिक जो होता है, बेसिकली एक टर्म है जो किस गेम या फिर किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है, बास्केटबॉल में या फिर बैडमिंटन में या फिर जो है हॉकी में या फिर जो है वॉलीबॉल में। तो याद रखिए आपका ये बैक स्टिक टर्म जो होता है बेसिकली जो है हॉकी टर्म में जो है यूज किया जाता है। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। बेसिकली मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे मेंशन किया है जो आपके इस हॉकी गेम में यूज किया जाता है, और ये हॉकी के महान जादूगर आप कह सकते हैं, इन्हें कहा जाता है। ये आपका जो है मेजर ध्यानचंद सिंह का ये इमेज है। इनके इनका जो बर्थ एनिवर्सरी जो होता है बेसिकली बोल सकते हैं कि 29 अगस्त को जो है इंडिया में हम मनाते हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में, और ये टर्मिनोलॉजी है आपको याद रखना है जो हॉकी से रिलेटेड है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इनका जन्म जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद का जो इस समय नाम जो है इलाहाबाद से चेंज होकर के प्रयागराज हो गया है, तो ये भी आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा ये आपका जो है टर्मिनोलॉजी है जो हॉकी टर्म में जो बेसिकली ये यूज किया जाता है। आपको आज थोड़ा सा जो एक नजर मारनी है सारे टर्मिनोलॉजी पे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सके कि किस टाइप के जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में। तो बुली टर्म हो गया, उसके बाद से जो ऑफ साइड बेसिकली एंड ऑन साइड, ये दोनों टर्म जो होता है बेसिकली जो है हमें क्रिकेट में देखने को मिलता है, और ऑफ साइड जो होता है फुटबॉल में भी देखने को मिलता है, हॉकी में भी देखने को मिलता है। ऑफ साइड और ऑन साइड ये बेसिकली जो होता है ग्राउंड का ये टर्म होता है आपका, ये ऑफ साइड एंड ऑन साइड। ओके, नेक्स्ट आपका जो अंडर कटिंग, नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट कॉर्नर, और ये हैट्रिक। हैट्रिक बेसिकली क्या होता है कि ना, जब ये बेसिकली टर्म जो होता है हम जो है क्रिकेट में भी यूज करते हैं हैट्रिक टर्म। बेसिकली कोई जो आपका ये बैट्समैन जो है ना, बैट्समैन क्या करते हैं लगातार तीन बॉल पे अगर सिक्स मारता है, तीन छक्के मारता है लगातार तीन बॉल पे, तो बोलते हैं कि हैट्रिक सिक्स लगाया, उन्होंने क्या लगाया हैट्रिक सिक्स लगाया। अगर कोई गेंदबाज जो है, अगर वो गेंदबाज जो है क्या करते हैं कि लगातार तीन बॉल पे वो क्या करता है कि जो है लगातार तीन विकेट लेता है, तो उसमें बोलते हैं कि हैट्रिक विकेट लिया। अगर लगातार जो है कोई भी बल्लेबाज जो है तीन गेंद पे लगातार जो है चौका लगाता है, तो आप बोल सकते हैं कि हैट्रिक उन्होंने चौका लगाया। तो इस टाइप के टर्मिनोलॉजी जो आप बोल सकते हैं क्रिकेट में भी यूज किया जाता है, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि हैट्रिक जो है हॉकी में भी बोल सकते हैं कि ये आपका जो है यूज किया जाता है ये टर्म हैट्रिक, एस फॉर हैट्रिक एंड एस फॉर हॉकी। ओके, नेक्स्ट आपका जो है गोल, गोल टर्म भी जो होता है बेसिकली गोल किया जाता है, तो ये आपका जो है ये टर्म जो होता है हॉकी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट आपका जो है पेनाल्टी कॉर्नर भी यूज किया जाता है, पेनाल्टी स्ट्रोक भी यूज किया जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप कह सकते हैं आपको केवल एज इट इज एक नजर मारनी है जो है ये आपका जो है, अगर आप हॉकी खेले होंगे तो ये आपका जो है ये टर्म जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। पेनाल्टी कॉर्नर हो गया, पेनाल्टी स्ट्रोक हो गया, नेक्स्ट आपका जो है पुश पास हो गया, पुश पास, और नेक्स्ट आपका जो स्कूप, और उसके बाद जो है ड्रिबल, ड्रिबल ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ये जो है बोल सकते हैं कि जो हॉकी टर्म में आपका ये यूज किया जाता है। ड्रिबल, फ्लिक हो गया, और उसके बाद से गिव एंड गो, ये सारे के सारे टर्म जो किससे रिलेटेड है आपके जो हॉकी गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपको फोकस करना है बास्केटबॉल पे, क्योंकि बास्केटबॉल में आपके ऑप्शन में था, और मैं सारे ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपके ये कुछ टर्म जो है आपके बास्केटबॉल से रिलेटेड है। बास्केटबॉल में होता क्या है बेसिकली, ये बास्केट मीन्स क्या होता है, टोकरी होता है, और ये आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको क्या डालना होता है, बॉल को डालना होता है, तो बास्केट प्लस बॉल आप बोल सकते हैं। और इस गेम को किसने स्टार्ट किया था, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, ये आपके जेम्स नेस स्मिथ ने जो है इस बास्केट बॉल गेम को जो है बोल सकते हैं कि स्टार्ट किया गया था, और ये कनाडा के एक प्रोफेसर थे, किसके जो फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर थे आपके जो है जेम्स नेस स्मिथ, ये आपके जो एक बोल सकते हैं कि प्रोफेसर थे कनाडा के।
और इन्होंने इसको स्टार्ट किया था बास्केटबॉल गेम को जो, और इसमें जो टर्मिनोलॉजी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये टर्मिनोलॉजी आप बोल सकते हैं कि बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। अमीबा डिफेंस हो गया, एक प्रकार का डिफेंस ही होता है, और बोल सकते हैं कि यूज किया जाता है बास्केटबॉल गेम में। और नेक्स्ट आपका जो बनाना कट एंड बैकडोर कट, दोनों ही जो यूज किया जाता है बोल सकते हैं कि बास्केटबॉल में, बी फॉर बास्केटबॉल, बी फॉर बनाना, बी फॉर बैकडोर कट, ऐसे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और उसके बाद से जो है बाल हॉक हो गया, उसके बाद से जो है बैक कोर्ट हो गया, बैक स्क्रीन हो गया, ब्लाइंड साइड स्क्रीन हो गया, ग्रैनी शॉट हो गया, और ये आपका जो है ग्रेनेल सिस्टम हो गया। तो ये सारे के टर्मिनोलॉजी जो आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे टर्मिनोलॉजी जो है आपके बास्केटबॉल गेम में जो है यूज किया जाता है। स्लैम आप बोल सकते हैं कि डंक हो गया, स्लैम डंक हो गया, एयर बॉल हो गया, उसके बाद से जो एले ऑफ हो गया, उसके बाद से असिस्ट हो गया। असिस्ट वर्ड बेसिकली हॉकी में और फुटबॉल दोनों में यूज किया जाता है। असिस्ट होता है आप बोल सकते हैं कि आपके प्लेयर का जो साथी होता है ना, उस साथी के लिए बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपके ही ओर का जो कोई फील्डर होता है उसे हम बोलते हैं असिस्ट। वो असिस्ट बेसिकली जो है बॉल या को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा होता है। हॉकी में भी और फुटबॉल दोनों में यूज किया जाता है ये आपका जो असिस्ट वर्ड। ओके, नेक्स्ट आपका जो है बॉक्स आउट, उसके बाद से जो है ब्रिक हो गया, नेक्स्ट आपका जो है डबल ड्रिबल भी बेसिकली ये टर्म यूज किया जाता है आप बोल सकते हैं कि जो है बास्केटबॉल में, और ये फ्री थ्रो लाइन भी है बेसिकली यूज किया जाता है बास्केटबॉल में। जंप बॉल हो गया, उसके बाद से पेंट हो गया, और स्क्रीन बेसिकली जो होता है, मैं टीवी स्क्रीन की मैं बात करना नहीं कर रहा हूँ, ये आपका जो है लैपटॉप स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन नहीं है। ये बेसिकली जब आपका ये ऑफेंसिव प्लेयर जो होता है वो क्या करता है, खड़ा होता है इस तरीके से खड़ा होता है, जहां पे आपका जो डिफेंडर जो होता है वो क्या करता है कि वो ट्राई करता है और उसको गेंद देने का बेसिकली वो टीममेट ही होता है, वो उसको गेंद देने का प्रयास करता है, और एक जो है ओपन शॉट खेलने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोल रहे होते हैं। और ये बास्केटबॉल का एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपका ये स्क्रीन। नेक्स्ट आपका स्विस है, नेक्स्ट आपका जो है थ्री पॉइंट लाइन, नेक्स्ट आपका ट्रैवलिंग और ये कैरिंग, और नेक्स्ट आपका जो है अंडर हेड। मैं इन सारे टर्मिनोलॉजी को जो है डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, बोल सकते हैं मुझे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और काफी डिटेल में डिस्कस करने, इसलिए जो आप गो थ्रू हो जाइए कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी जो है बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर गेम में यूज किया जाता है बास्केटबॉल गेम में। नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन में था बैडमिंटन गेम में कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, इस पर फोकस एक नजर मार लेते हैं जिससे आपको जो है आइडिया हो सके कि कौन कौन सा टर्म जो है बैडमिंटन टर्म में जो है बेसिकली जो है। बहुत ही प्यारा गेम होता है आपका ये बैडमिंटन, और बेसिकली जो है विंटर में हम लोग इसको क्या करते हैं कि खेलते हैं, बहुत इंजॉय आता है। ओके, बैडमिंटन इसमें आपका ये टर्म यूज किया जाता है बैक कोर्ट, ये आपका जो बैक थर्ड आप बोल सकते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट होता है उसका, ये बैडमिंटन कोर्ट का ये बैक थर्ड होता है आपका ये बैक कोर्ट। और ये सर्वर एंड रिसीवर किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि वो बैडमिंटन से जो उसका रॉकेट जो होता है उसको, जो शटल जो चिड़िया जो होता है उसको मारता है, तो ये बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है, वो सर्विस लगा रहा है। सर्विस लगाने वाले को सर्वर बोलते हैं, और जिसको रोकता है मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन खड़ा हुआ है, ये कोई प्लेयर है, तो उसको क्या करता है कि इसके ऊपर ये यहाँ से सर्विस लगाया तो इसके ऊपर गया तो इसके पास गया, तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इस पर्सन को बोलते हैं रिसीवर, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो सर्विस को रिसीव कर रहा है। तो सर्विस लगाने वाले को सर्वर बोलते हैं और इसको रिसीव करने वाले को रिसीवर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड है आपका। नेक्स्ट है आपका जो है ये शॉर्ट लॉन्ग एंड वाइड सर्विस, आपका जो है अगर सर्विस क्या होगा, छोटा हो गया तो उसको शॉर्ट बोलेंगे, लॉन्ग बोलेंगे, अगर बड़ा हो गया तो ये बेसिकली फाउल ही होता है, तीनों के तीनों आपके फाउल होते हैं, और बोल सकते हैं कि जो है ये अच्छा आपका जो है बैडमिंटन के लिए बेस्ट नहीं होता है। शॉर्ट लॉन्ग एंड वाइड सर्विस आप याद रख सकते हैं, ये आपका जो है बैडमिंटन में यूज किया जाता है जब हम सर्विस लगाते हैं, तो सर्विस रिलेटेड आपका ये तीनों टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट आपका जो लव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली जो है ये टेनिस में भी यूज किया जाता है लव। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो प्लेयर है, एक प्लेयर ये है और एक प्लेयर ये है, और इसका स्कोर क्या है कि आपका जो है जीरो है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लव। तो जीरो स्कोर वाले प्लेयर को हम बोलते हैं ये लव पे। मान लीजिए इसका एक हो गया तो बोलेंगे इसका जीरो, इसका वन है तो आप बोलेंगे लव वन, क्या बोलेंगे लव वन। तो बेसिकली लव इसका जीरो स्कोर है और इसका वन है, तो कभी कभी क्या होता है अगर इसका दो हो गया या फिर टू हो गया तो बोलेंगे लव टू, अगर मान लीजिए कि इसका जो है थ्री हो गया तो इसको और इसका जीरो है तो बोलेंगे लव थ्री। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं लव मीन्स क्या होता है कि इसमें जो प्लेयर का जो स्कोर क्या होता है जीरो पॉइंट होता है। ये बेसिकली बैडमिंटन का बहुत ही प्यारा वर्ड है। नेक्स्ट है आपका ड्यूस। ड्यूस में क्या होता है बेसिकली आपका स्कोर जो होता है वो आपका 20-20 बेसिकली 22 स्कोर करने होते हैं बैडमिंटन में, जो पहले 22 स्कोर कर लेगा और डिफरेंस 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है उसको आप मान लेते हैं कि पर्टिकुलर प्लेयर जो है आपका वो जीत चुका है उस पर्टिकुलर गेम में,
तो बेसिकली इसमें अगर आपका जो दोनों ही टीम का स्कोर जो है आप बोल सकते हैं 2020 पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो कंडीशन जो होता है वो आप जो है ड्यूस के नाम से जाना जाता है, किसमें आपका जो बैडमिंटन में, तो आपको याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं किसमें आपका जो है बैडमिंटन गेम में। नेक्स्ट आपका जो है रैले हो गया, नेक्स्ट आपका सेट एंड मैच हो गया, रबर भी यूज करते हैं, रबर टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं बैडमिंटन में, और उसके बाद से जो है रैकेट एंड शटल, शटल कॉक ये बेसिकली चिड़िया होता है बहुत ही, ये तो सिंपल ही है, आप रैकेट जिससे हम क्या करते हैं उसको शटल कॉक को चिड़िया को मारते हैं, तो ये आपका ये रैकेट होता है। नेक्स्ट आपका स्मैश होता है, नेक्स्ट आपका जो है डबल फॉल्ट, और आपका जो है फोर हैंड एंड बैक हैंड, ये बेसिकली दोनों फोर हैंड एंड बैक हैंड दोनों हम यूज करते हैं टेनिस में भी, ये बेसिकली फोर हैंड एंड बैक हैंड ये आपका टर्मिनोलॉजी जो है यूज किया जाता है। ये बैडमिंटन कोर्ट एक प्यारा सा इमेज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका नेट लगा होता है और ये आपका जो है शॉर्ट सर्विस लाइन हो गया, और ये आपका जो है ये भी आपका शॉर्ट सर्विस लाइन, ये आपका नेट हो गया बेसिकली, आप आपका सेंट्रल लाइन होता है, और ये आपका जो है राइट सर्विस कोर्ट हो गया, और ये आपका लेफ्ट सर्विस कोर्ट हो गया, ओके। और ये आपका जो है ये बोल सकते हैं कि आपका ये बैक बाउंड्री लाइन हो गया, तो इस तरीके से आप एक कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि आपका ये बैडमिंटन कोर्ट इस टाइप का होता है, ओके। नेक्स्ट आपका से आपके ऑप्शन में वॉलीबॉल भी था, तो वॉलीबॉल बेसिकली ये एक प्यारा सा गेम होता है, ये बेसिकली इस तरीके से जो है 20 में नेट लगा होता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये आपका जो टीम होती है, और ये आपका ये दूसरा ये पर्टिकुलर टीम होता है, ये पर्टिकुलर टीम क्या करता है कि उस बॉल को इसको मारता है, और ये आपका जो है इसको क्या करता है कि उसको ये बेसिकली जो है ये बॉल होता है उसको क्या करता है कि बम्प या फिर जो पास, ये मान लीजिए जिसने मारा तो उसको पहले इस बॉल को क्या करेगा कि बम्प करेगा, फिर उसके बाद से दूसरे दूसरा प्लेयर जो होगा उसको उसको क्या करेगा सेट करेगा, और तीसरा उसको मारेगा, उछल करके मारेगा, तो बेसिकली ये आपका बम्प पास या फिर जो सेट, ये तीनों टर्मिनोलॉजी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जो वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। स्पाइक हो गया, नेक्स्ट आपका जो है ये आपका सेटिंग एंड वॉलिंग जो है बेसिकली वॉलीबॉल में ही ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये आपका वॉलीबॉल है और ये आपका जो है वॉलिंग है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे टर्मिनोलॉजी आपके जो है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि वॉलीबॉल में बेसिकली बम्प पास या फिर सेट जो आपका टर्म जो होता है वो किस गेम से रिलेटेड, इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपके स्पाइकिंग हिटिंग हो गया और किलिंग हो गया, सारे के सारे वर्ड जो है किससे रिलेटेड है, आपके जो वॉलीबॉल गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो फेस्टिवल है जो पंजाब में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, और ये किसके बोल सकते हैं कि याद में किसके कॉमेमोरेट में जो है ये आपका जो फॉर्मेशन जो हुआ था आपका खालसा पंथ, तो खालसा पंथ के फॉर्मेशन में बोल सकते हैं कि इसकी याद में जो है कौन सा फेस्टिवल पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, लोहरी या फिर जो है होला मोहल्ला या फिर जो तीज या फिर बैसाखी, तो याद रखिए बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है खालसा पंथ के बोल सकते हैं कि याद में। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको फोकस करना है, ये जो वैशाखी फेस्टिवल जो होता है बेसिकली एक प्रकार का मेजर सिक्स फेस्टिवल होता है, तो बेसिकली आपका जो है ये मार्क्स ये चिन्हित करता है, आप कह सकते हैं कि जो खालसा ऑर्डर का जो आपके गुरु गुरु गोविंद सिंह कौन थे, आपके जो है सिख के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म कब हुआ था 13 अप्रैल बोल सकते हैं कि 1699 में हुआ था, तो इनके बर्थ को ये मार्क भी करता है आपका ये वैशाख का फेस्टिवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया था कि वैशाख का फेस्टिवल जो होता है वो किस मंथ में मनाया जाता है, ये आपके नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था बोल सकते हैं कि एसएससी के सीजीएल 2022 के एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना ये आपका जो वैशाखी फेस्टिवल जो होता है बेसिकली जो है वो अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है, और बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट आपका ऑप्शन में था लोहरी, लोहरी बेसिकली आपका जो वेल नोन फेस्टिवल होता है इंडिया का जो बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है 13 जनवरी को, और 13 या फिर बोल सकते हैं 14 में जो है मकर संक्रांति देखने को मिलता है 13 या फिर 14 को, बेसिकली 14 को ही सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति, तो एक दिन पिछले एक दिन आप बोल सकते हैं कि पीछे आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है लोहरी, और ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में ये बेसिकली जो है ये लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली आप बोल सकते हैं कि पंजाब में ये पंजाब का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप ऐसा आप बोल सकते हैं कि आपका ये लोहरी फेस्टिवल, लेकिन पूरे नॉर्दर्न इंडिया बोल सकते हैं यूपी बिहार वगैरह में भी ये लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है, नॉर्दर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आपका जो होला मोहल्ला, ये बेसिकली से हम होला भी कहते हैं, और ये आपका 3 दिन का लंबा फेस्टिवल होता है, सिख फेस्टिवल आप बोल सकते हैं, जो नॉर्मली जो होता है किस मंथ में मनाया जाता है, होला मोहल्ला आपका जो मार्च में मनाया जाता है, तो मंथ आपको याद रखना है, फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जाता है, होला मोहल्ला फेस्टिवल मार्च में मनाया जाता है, और आप बोल सकते हैं कि ये दूसरा दिन होता है किसका जो है लूनर मंथ का, जो आपका चैत्र जो होता है ना उसका लूनर मंथ का जो दूसरा दिन के दिन दूसरे दिन ये मनाया जाता है आपका ये होला मोहल्ला फेस्टिवल, और एक दिन बाद आप बोल सकते हैं कि हिंदू इसके एक दिन बाद आप बोल सकते हैं कि क्या होता है आपका जो है स्प्रिंग फेस्टिवल होता है जिसे हम होली के नाम से जानते हैं, होली पे बहुत ही रंगों का त्यौहार है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है हिंदू का,
हिंदुओं का और ये आपका जो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक साथ ही होता है, होली और उसके बाद से जो होला मोहल्ला, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं होली होला मोहल्ला। ओके, नेक्स्ट आपका जो होला मोहल्ला और ये आपका जो है बिग फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है, नाम भी बहुत अजीब है होला मोहल्ला। ओके, और ये आपका जो है ये बहुत ही बोल सकते हैं कि बिग फेस्टिवल इवेंट होता है सिक्स और पूरे वर्ल्ड में आप ऐसा बोल सकते हैं। तीज का फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आप बोल सकते हैं कि जो है इसमें एक प्रकार का हिंदू फेस्टिवल होता है। ओके, तीज फेस्टिवल, और ये बोल सकते हैं किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वुमेन या और गर्ल्स के द्वारा, महिलाएं और उसके बाद से जो है लड़कियों के द्वारा ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हरियाली तीज और उसके बाद से जो है हरतलिका तीज, और ये क्या होता है, इसमें जो है महिलाएं और आपकी जो लड़कियां जो होती हैं क्या करती है कि मानसून सीजन का क्या करती है, वेलकम करती है, स्वागत करती है। और ये जिसको सेलिब्रेट बेसिकली जो है ये प्राइमरली किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, गर्ल्स और वुमेन इसमें काफी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपका जो है बोल सकते हैं कि मेल ये आपका जो है बोल सकते हैं कि मेल कैटेगरी का फेस्टिवल नहीं होता आपका ये तीज फेस्टिवल, गर्ल्स एंड वुमेन्स में इसमें पार्टिसिपेट करती है और इसमें क्या करती है, सिंगिंग भी करती है, डांसिंग भी करती है और फुली इंजॉयमेंट होता है और बोल सकते हैं कि प्रेयर भी होता है इसमें जो है रिचुअल्स का। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तीज से रिलेटेड, आपको याद रखना है। ये आपके सारे ऑप्शंस में थे, लोहरी के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया, होला मोहल्ला एंड तीज, तो आपका ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थीम क्या था बेसिकली, जो आपका ये सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था उसका थीम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेकंड ऑप्शन है आपका योगा फॉर पीस, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका जो है योगा फॉर वेलनेस या फिर जो योगा फॉर हार्ट। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो पहली बार जो बोल सकते हैं 21 जून जो है 2015 को सेलिब्रेट किया गया था, और जो आपका सेकंड कब सेलिब्रेट किया गया था, सेकंड आपका जो है 21 जून आप बोल सकते हैं कि 2016 में सेलिब्रेट किया गया था, और उसका थीम पूछा है, आप समझ रहे हैं ना, एग्जाम हो रहा है आपका 2022 में और ये पूछ रहे हैं क्या कि आप 2016 का आप थीम बताओ, इस तरीके से भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। तो आप देख भी सकते हैं इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, हर एक क्वेश्चन पे मैंने काफी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की पूरी कोशिश करी जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में काफी बेनिफिट मिल सके। तो बेसिकली हम किसे क्या कहते हैं, इसे हम योगा डे के भी नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस जो होता है वो प्रमोशन आप बोल सकते हैं किसका जो है प्रमोट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बेसिकली ग्लोबल हेल्थ को जो ग्लोबली क्या किया जाता है कि प्रमोट किया जाता है हार्मनी के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो पीस को भी जो है वो प्रमोट करती है आपका यूनाइटेड नेशंस, और किसके थ्रू, आपका जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के थ्रू। और ये जो बेसिकली इस दिन होता क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के दिन होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, इस तरीके से योग करते हैं। योग का अपना ही बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हैं कि इसका अपना अलग ही महत्व है, आप बोल सकते जब आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो योग करना चाहिए, योग करने से आपके माइंड जो होता है माइंड में आपका स्पिरिचुअल पावर आता है और आप अच्छे तरीके से जो अपने आप को जो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं अगर आप योगा कर रहे होते हैं तो। ओके, और ये आपका जो 21 जून को प्रत्येक साल ये आपका जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका 2023 में भी आपका ये सेलिब्रेट किया जाएगा, 21 जून 2023 को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये पहली बार जो है 2015 में आपका सेलिब्रेट किया गया था, और यहाँ पे देख भी सकते हैं 2016 का जो थीम था बेसिकली आपका जो है ये आपका जो है योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, और ये आपका थीम आपको याद रखना है, लेटेस्ट थीम है आपका 2022। आप सारे हर प्रत्येक साल का तो थीम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप जो है रिसेंटली जो आपका हुआ है 2022 हुआ है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो इसका आप थीम आप याद रख सकते हैं योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम था, इसका जो है आप इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा है क्विक लाइम का जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaO को बेसिकली हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ये आपका CO2 अगर ऐसे लिखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और CaCO3 ऐसे लिखा होगा तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और ये CaOH2 लिखा होगा तो ये आपका जो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला बेसिकली आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपको याद रखना है CaO होता है, ओके CaO हो जाएगा, और आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए ये बेसिकली क्या है CaOH का होल्ट है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली आपका जो है स्लैक लाइम होता है, भूसा हुआ चूना होता है आपका ये आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट है। ओके, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आप याद रख सकते हैं, बेसिकली आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो फॉर्मूला होता है मार्बल का, संगमरमर का बोल सकते हैं, चाक का, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका जो है तीनों का फॉर्मूला क्या होता है आपका CaCO3 ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप
याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें से आपको जो है चूज करना है कि वर्क डन का यूनिट क्या है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है या फिर डेसिबल या फिर एम्पियर या फिर जो जूल। तो याद रखिए वर्क डन का यूनिट क्या होता है, बेसिकली आपका जो है जूल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे आप, जो ये वॉट जो होता है ये किसका यूनिट होता है, वॉट जो होता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, आपका वॉट होता है। डेसिबल जो होता है बेसिकली आपका साउंड का यूनिट होता है, साउंड का यूनिट होता है। जूल जो होता है बेसिकली जो होता है हीट के साथ साथ आप कह सकते हैं एनर्जी एंड वर्क, तीन जो आपका जो ये मेजरमेंट है इसका जो है आपका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, आपका जूल होता है। और ये फ्रेक्वेंटली आपके एग्जाम्स में इसका यूनिट पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि लेंथ का यूनिट बताओ, मीटर होता है, वेरी सिंपल। मास का आपका किलोग्राम होता है, और यहाँ पे सिंपल भी देख सकते हैं आपका एम होता है कैपिटल स्मॉल एम, और ये आपका जो मास किलोग्राम का केजी होता है आपका कैपिटल के स्मॉल जी, और टाइम का क्या होता है आपका जो यूनिट आपका जो है बोल सकते हैं कि सेकंड होता है स्मॉल आपका ये कैपिटल एस होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर होता है। ये भी आपका ऑप्शन में था, एम्पियर किसका होता है, एम्पियर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और ये थर्मोडायनामिक कंप्रेसर का जो आप बोल सकते हैं कि यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका जो यूनिट होता है कैंडेला होता है, ये आपका जो सीडीज का सिंबल होता है। ओके, एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो होता है वो बेसिकली इसका सिंबल, इसका यूनिट आपका जो मोल होता है, और स्मॉल ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, इसका जो है बोल सकते हैं कि सिंबल हो जाएगा एम ओ एल, स्मॉल होता है आपका एम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा आपका साइट्स जो है जहाँ पे क्या है कि आपका जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो है विजयवाड़ा, सेकंड ऑप्शन नरोरा, और थर्ड ऑप्शन है आपका तारापुर, और फोर्थ ऑप्शन है रावतभाटा। तो याद रखिए बेसिकली नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे आपका जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तारापुर महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ही बात हुई, आपको याद रखना है। रावतभाटा बेसिकली राजस्थान में आपका लोकेटेड है, और यहाँ पे भी आपका क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी चीज। और यहाँ पे मैंने जो है मेंशन किया है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, और इसका ये किस स्टेट में आपका लोकेटेड है, और ये इसका फॉर्मेशन ईयर है। तो काकड़ापार भी पूछा जाता है, काकड़ापार जो बेसिकली आपका जो गुजरात में है, 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और एक कल्पक्कम आपका मद्रास जो एटॉमिक पावर स्टेशन जो आप बोल सकते हैं इसको, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में। और नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन आपका 1991 में इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था, और ये कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो कैगा, के फॉर कैगा, के फॉर कर्नाटक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये आपका जो है 2000 में इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में आपका रावतभाटा है, रावतभाटा बोल सकते हैं एटॉमिक पावर स्टेशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1973, ये आपका रावतभाटा राजस्थान में है। तारापुर आपका एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था, और ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल सकते हैं कि 2013 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और ये आपके कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, पावर प्लांट बेसिकली जो है आपके प्लांट है, ये अभी बने नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन भी है तारापुर, तारापुर तो बेसिकली जो है महाराष्ट्र में, जस्ट अभी मैंने डिस्कस भी किया है। मद्रास में बेसिकली आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में बेसिकली आपके मद्रास में आपका ये मद्रास में जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है आप बोल सकते हैं प्लांट है, जो तमिलनाडु में लोकेटेड है आपका ये। नेक्स्ट आपका कहेगा कर्नाटक, या सुतका, सुतका याद रख सकते हैं आपका मध्य प्रदेश में जो आपका प्लांट है। और ये कुछ इसमें से बने हुए हैं, कुछ इसमें से आपके प्लांट है, फ्यूचर में आप बोल सकते हैं कि बनेंगे। गोरखपुर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हरियाणा में लोकेटेड है, ना कि आपका गोरखपुर बेसिकली आपका एक सिटी है, सिटी है बेसिकली उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ये पूर्वांचल का एक इंपॉर्टेंट सिटी है गोरखपुर, और यहाँ से जो है आपके बोल सकते हैं कि जो भी आपके सीएम जो है ना, योगी आदित्यनाथ जो इस समय प्रेजेंट सीएम है बोल सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की, तो उनका एक निवास स्थान है बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो लंबे समय तक रहते थे गोरखपुर जगह में, गोरखधाम भी यहीं पे लोकेटेड है। तो आपको याद रखना है बेसिकली गोरखपुर अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि ये आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका हरियाणा में, लेकिन गोरखपुर सिटी जो है बेसिकली जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, तो आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट से। ये आपका भीमपुर जो है बेसिकली आपका मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है, और ये आपका जो प्लांट है बेसिकली है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर स्टेशन आप ये ऐसा बोल सकते हैं। ये आपका जो है माही, माही वंशवारा जो राजस्थान में आपका जो है प्लांट है, और ये आपका जो हरिपुर वेस्ट बंगाल में, और ये आपका मिथिवर्दी जो है बेसिकली आपका जो है ये गुजरात में प्लांट है, और ये आपका जो कवड्डा, कवड्डा आपका आंध्र प्रदेश में, और उसके पास जैतापुर आप बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में, जैतापुर तो अभी जस्ट मैंने डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन जो है बेसिकली श्रेष्ठ उसके जो आइडियाज थे वो आप बोल सकते हैं कि आइडियल ऑफ किस चीज के, किस चीज के आइडियल, भक्ति के या फिर एजुकेशन के या फिर सॉल्वेशन के या फिर गॉड के, जिसके थ्रू उन्होंने क्या करी कि जो है ये बोल सकते हैं इनका जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, उनका जो है सोशल सर्विस, और उसके साथ साथ जो है
सेल्फलेस एक्शन को उन्होंने क्या करे कि जो है स्ट्रेस करी उनके, ये आपको जो ऑप्शन में से चूज करना है, आइडियल ऑफ किसके आइडियल, भक्ति, एजुकेशन, सॉल्वेशन या फिर गॉड। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका सॉल्वेशन इसका आंसर हो जाएगा, आइडियल ऑफ सॉल्वेशन, जिसके थ्रू आप बोल सकते हैं कि सोशल सर्विस या फिर सामाजिक सेवा और जो आपका जो सेल्फलेस एक्शन, एक प्रकार का कोई भी जो बोल सकते हैं उसमें स्वार्थ ना हो। तो उन्होंने उनको क्या करी कि प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर आपका बेसिकली थर्ड हो जाएगा, सॉल्वेशन हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। ये बेसिकली इसको किसने फाउंड किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने इनको फाउंड किया था। ये बेसिकली जो है रामकृष्ण मिशन को 1 मई 1897 को एस्टैब्लिश किया गया था, फाउंड किया गया था रामकृष्ण मिशन को। और इसके प्रेसिडेंट इसमें प्रेजेंट में जो है आपके याद रख सकते हैं स्वामी स्मरणानंद जी थे। और उसके बाद से जो हेडक्वार्टर जो है बेलूर मठ, आपका जो बेलूर मठ जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, इंडिया में आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका एब्रीविएशन जो क्या होता है, आपका आरकेएम होता है, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा आरकेएम, आरकेएम स्टैंड्स फॉर रामकृष्ण मिशन। और इनको अवार्ड भी मिला है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, है गांधी पीस प्राइज आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है मेनली प्रोपोगेट्स करता है हिंदू की जो फिलोसफी जो होती है वेदांत का, वेदांता का, जिसे हम अद्वैतवाद बोलते हैं, अद्वैत, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, उसको क्या करती है कि प्रोपोगेट्स करती है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन रामकृष्ण मिशन। और इसके 4 योगिक आइडियल्स है, आप बोल सकते हैं कि जन, भक्ति, कर्म और उसके बाद से जो है राज योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डेज ऑब्जर्व ऑन, ये जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डेज होता है कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 अगस्त या फिर जो है 31 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर या फिर जो 14 नवंबर। तो याद रखिए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे बेसिकली जो है 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी जी और उसके साथ साथ जो है लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों का जो हम क्या करते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी भी क्या करते हैं कि सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर आपका जो है थर्ड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और उसके बाद से जो है ये क्या थे आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके फर्स्ट डिप्टी पीएम बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है ये होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के फर्स्ट। और इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी हम लोग किस रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। इंडिया में चिल्ड्रंस डे जो है बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक साल, आप बोल सकते हैं ये बर्थ एनिवर्सरी होता है किसका जो है इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का क्या होता है कि बर्थ एनिवर्सरी होता है, नवंबर 14 को ये सेलिब्रेट हम लोग करते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं क्योंकि 14 नवंबर आपके जो है मेंशन था ऑप्शन में, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया है। और ये 15 अगस्त आपका जो इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। और आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, तो ये आपका जो है हम लोग बिल्कुल जो कह सकते हैं कि आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन सा आपका जो डायनेस्टी जो है बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था किंगडम ऑफ द विजयनगरा। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन है संगम, सेकंड ऑप्शन है जो है नगमा डायनेस्टी या फिर सोमा, यहाँ पे बेसिकली हिंदी में सोम डायनेस्टी बोलते हैं, सोम राजवंश। नेक्स्ट आपका तुलु डायनेस्टी, तो इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, इसका आंसर आपका जो संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी आप बोल सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर का जो फर्स्ट डायनेस्टी था आपका जो संगम डायनेस्टी। आपको फोकस करना है विजयनगर जो है बेसिकली जो है 4 डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया था, और इनका सिक्वेंस आपसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, संगम, सुलु, तुलु, अरावेडु, संगम, सुलु, तुलु एंड अरावेडु, SST, सस्ता, ऐसे आप याद रख सकते हैं सस्ता। ओके, और इस डायनेस्टी का जो है टाइम पीरियड भी आप याद रख सकते हैं, संगम का जो है 1336 से लेकर के 1486 तक, और उसके बाद से सुलुब आपका जो है सुलुब ये आपका जो 1486 से लेकर 1506 तक, और उसके बाद से जो तुलुब का जो है आपका जो है 1506 से लेकर के जो 1565 तक, और उसके बाद से जो अरावेडु का जो 1570 से लेकर के जो है 1647 तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजयनगर के, मैं बोल सकते हैं कि इन चारों डायनेस्टीज के द्वारा विजयनगर पे क्या किया गया था, रूल किया गया था। इसका सीक्वेंस आप याद रखेंगे SSTA, ये आपके एग्जाम से पूछा जाता है। संगम डायनेस्टी जो है बेसिकली आपका जो विजयनगर एम्पायर का जो है ये डायनेस्टी था, और बोल सकते हैं कि जो है ये आपका जो है ये कब 14 सेंचुरी में जो है दो भाई बोल सकते हैं कि जिसका नाम था हरियर फर्स्ट एंड बुक्का राय फर्स्ट, इनके द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया था संगम डायनेस्टी को आप बोल सकते हैं ऐसा। और ये डायनेस्टी जो होता है बेसिकली आपका फर्स्ट डायनेस्टी था जो आपका जो है रूल किया था किस पे जो है विजयनगर एम्पायर पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका जो ऑप्शन में क्या था आपका जो नायक डायनेस्टी भी था, तो इसके बारे में मैं कुछ बता दूं, ये नायक डायनेस्टी जो है बेसिकली मदुरै में एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके फाउंडर कौन थे आपके जो है विश्वनाथ नायक थे, उन्होंने क्या करी थी कि जो है
ये आपका जो है, ये आपका जो है विजयनगर के वायस राय थे, विजयनगर के आपके जो है वायस राय थे, जो आपके मदुरई में जो है, मदुरई आप बोल सकते हैं कि तमिलनाडु में साउथ इंडिया में सिचुएटेड है, और ये बेसिकली जो है नायक डायनेस्टी के फाउंडर थे, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि नायक डायनेस्टी आपके ऑप्शन में था, इसलिए आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए नायक डायनेस्टी के भी बारे में। हो सकता है कि अगर आपके पास आइडिया हो कि नायक डायनेस्टी जो है इसको स्टैब्लिश किसने किया और ये आपका जो है ये मदुरई में हुआ था, तो इस तरीके से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में एसएससी जब क्वेश्चन रिपीट करती है तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन में डाल दे ये आपका जो नायक डायनेस्टी फिर से, तो इस तरीके से आप जो है हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपके नायक डायनेस्टी पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो सोम डायनेस्टी है, बेसिकली आपका हिंदू डायनेस्टी था और ये बेसिकली आपका रूल्ड जो प्रेजेंट डे है ना, प्रेजेंट डे काठमांडू, काठमांडू बेसिकली आपका जो है ये वैली बोल सकते हैं कि सेंट्रल नेपाल का, उसमें जो आपके प्रेजेंट डे में ये रूल कर रही है आपका ये सोम डायनेस्टी, और इसको फाउंड किसने किया था तो आप याद रख सकते हैं निमित्सकर वर्मा के द्वारा जो फाउंड किया गया था इस सोम डायनेस्टी को, और ये सम टाइम्स से आप बोल सकते हैं कि निमित्स फर्स्ट के द्वारा भी आप बोल सकते हैं, कभी कभी जो है निमिस फर्स्ट भी बोलते हैं, किसके फाउंडर कौन थे आपके जो सोम डायनेस्टी के, तो निमिस फर्स्ट थे। ओके, जो आप बोल सकते हैं कि जो किसके फॉल के द्वारा जो है, किसके फॉल के बाद जो है ये आपको जो एस्टैब्लिश किया गया था सोम डायनेस्टी को, तो किराता किंगडम के फॉल के बाद से जो है सोम डायनेस्टी को जो बोल सकते हैं कि जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका वायुदूत जो है, ये आपका जो है ये कब इस को जो है वायुदूत एयरलाइंस को कब सेटअप किया गया था इंडिया में, 1981 में, 1981 में, या फिर 1991 में, या फिर 1971 में, या फिर 1969 में। तो याद रखिए ये आपका वायुदूत एयरलाइंस को सेटअप किया गया था 1981 में, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वायुदूत के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, वायुदूत एक प्रकार का जो है रीजनल एयरलाइंस था इंडिया में, एस्टैब्लिश किया गया था इसको जो है 20 जनवरी 1981 में, और आप बोल सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर था किसके किसके बीच में, जो दो आपके स्टेट ओन्ड कैरियर्स थे आप बोल सकते हैं इंडियन एयरलाइंस और उसके बाद से जो एयर इंडिया के बीच में, और ये वायुदूत का आप इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेयरिंग अवे द लैंडस्केप, ये जो आपका वेयरिंग जो होता है वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय किसके द्वारा, डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा आपका जो है क्षय होना बोल सकते हैं कि जो लैंडस्केप का जो है क्षय होना किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, या फिर जो है ये बोल सकते हैं कि ये आपका जो है बर्फ के द्वारा, उसे हम किस नाम से जानते हैं, विदरिंग बोलते हैं, या फिर इरोजन बोलते हैं, या फिर मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अगर आपके पास जो है क्लियरिटी हो विदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, तो वेयरिंग को देख करके आप जो विदरिंग मार्क करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर आपका बेसिकली इरोजन होता है। मेटामॉर्फोसिस तो बेसिकली आपका बायोलॉजिकल टर्म, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, और ये आपका सेडिमेंटेशन बेसिकली आपका केमिस्ट्री का टर्म है, तो वो भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से वीडियो को एंजॉय करना है। डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका था विदरिंग। विदरिंग क्या था बेसिकली, हम क्या करते हैं इसमें ब्रेकिंग डाउन करते हैं, ब्रेकिंग डाउन के साथ साथ आप बोल सकते हैं डिसॉल्व भी करते हैं किसको, रॉक्स को और मिनरल्स को। तो रॉक को तोड़ना, ये जो आपके चट्टान को तोड़ना, हम किस के एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं वेदरिंग, और बोल सकते हैं कि या फिर डिसॉल्व करते हैं किसको जो है मिनरल्स को, उसके लिए भी बेसिकली आपका ये वर्ड यूज किया जाता है वेदरिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग में सीधा सीधा सा मतलब निकल करके आता है चट्टान को तोड़ना, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं उसको डिसॉल्व करना, या फिर जो है बोल सकते हैं मिनरल्स को, या फिर जो है रॉक को, ओके, अर्थ के सर्फेस पे, तो उसे हम वेदरिंग के नाम से जानते हैं। इरोजन क्या होता है, इरोजन बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और ये बोल सकते हैं कि अर्थ का जो मटेरियल जो होता है ना, ये वर्न अवे किया जाता है, जो आपका अर्थ सरफेस का जो ऊपरी परत जो होता है ना, फर्स्ट लेयर आप बोल सकते हैं कि अपर लेयर जो होता है, उसको क्या किया जाता है कि जो है उसको क्षय किया जाता है, उसका क्षय होता है किसके द्वारा, जो है आप बोल सकते हैं नेचुरल फोर्स के द्वारा, जैसे आपका विंड हो सकता है, या फिर जो वाटर हो सकता है। तो आपका अर्थ का जो अपर लेयर जो होता है उसको क्षय किया जाता है किसके द्वारा, जो है आप बोल सकते हैं कि जो है विंड या फिर वाटर के द्वारा। वाटर इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है सॉइल इरोजन में, आप ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद से जो है फॉरेस्टेशन क्या करता है कि आपका जो सॉइल इरोजन से क्या करता है कि उसको प्रोहिबिट करता है। जब बहुत ज्यादा आप वन लगाएंगे, बहुत ज्यादा फॉरेस्टिंग करेंगे, तो वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि सॉइल इरोजन में क्या होता है बेसिकली आपका वन लगाने से या फिर फॉरेस्ट लगाने से आपका जो भी मिट्टी जो होगा ना, मिट्टी क्या होगा कि उसको जो है वो जो प्लांट के जो रूट जो होंगे उसको क्या कर लेंगे, बिल्कुल वो बांध लेंगे। तो इस तरीके से आपका सॉइल का इरोजन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम पेड़ काटते चले जाएंगे, सॉइल इरोजन बढ़ता चला जाएगा। बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन एक प्रकार का जो है एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है किसका, जो है आपका ये इरोजन का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपको ऑप्शन में था मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इसे हम हिंदी में कायांतरण बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक प्रकार का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है आप ऐसा बोल सकते हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा, लार्वा से लेकर के एडल्ट। लार्वा बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसको मैं एग्जांपल से समझाऊं, फ्रॉग्स में हमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में जो फ्रॉग का जो आपका जो लार्वल स्टेज जो होता है उसे हम टैडपोल बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं, और ये बिल्कुल फिश जैसा होता है। लेकिन जब ये एडल्ट होता है ना, तो ये हमें लगता है कि ये आपका ये जो टैडपोल जो होता है फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसमें कुछ जो है फिजियोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, कलेक्टिवली जो है जो भी चेंजेस देखने को मिलता है, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा आपको रीड कर दूं कि ये बेसिकली आपका सडन एंड एक सीरीज ऑफ कंटिन्यूएशन चेंज होता है बॉडी में, और ये एनिमल में देखने को मिलता है बेसिकली उसके लाइफ साइकिल के दौरान, उसके जीवन चक्र के दौरान, और इसी प्रोसेस को कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये हमें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है फ्रॉग्स में, ये आपका एम्फीबियन होता है फ्रॉग, और ये आपका जो है बटरफ्लाई में भी हमें देखने को मिलता है मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के लिए कायांतरण के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बेसिकली जो है थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में जो है बेसिकली सिक्रेट किया जाता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए आपका आयोडीन जो होता है, आयोडीन एलिमेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि खाने में क्या खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जिससे हमें क्या मिल सके, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन शानदार तरीके से हो सके आपके बॉडी में। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन में था सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो है सेटल डाउन हो जाता है आपका जो हैवी पार्टिकल होता है। इसको आप आसानी से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक मिक्सर है, इसमें आपने जो है सैंड डाल दिया, उसके साथ साथ जो आपने वाटर डाला, तो इसमें क्या होगा कि आपका सैंड पार्टिकल जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, सैंड पार्टिकल बालू के जो कण होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें आपका सैंड जो होगा, बालू जो होगा, वो क्या होगा, बॉटम के नीचे बैठ जाएगा। इस तरीके से आप प्यूरिफाई कर सकते हो वाटर, और उसके बाद से जो है आप बोल सकते हैं कि सैंड के मिक्सर को। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, सेडिमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो है ये ऑप्शन में मेंशन था। अगर आपको ऑप्शन अच्छे से पता है, एक ऑप्शन के बारे में क्लियरिटी है, वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, इस तरीके से अगर आप जो है क्वेश्चंस को 90 डिग्री पे जाकर के जो है डिटेल में जाकर के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, तो फिर आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चाहे आपका SSCCGL मेंस एग्जाम हो, आप बोल सकते हैं कि जो टायर 2 में भी आप बोल सकते हैं कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस, तो ये आपका जो SSC के एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो आप जो है GS से पीछा आपको हमेशा छोड़ नहीं सकते, इसको ये GS आपके साथ हमेशा रहेगा। इसको फाइनली सिलेक्शन पहले केवल टायर 1 में ही पूछा जाता था, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आप टायर 2 में भी आपको जो है GS के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस आप बोल सकते हैं। ओके, जो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि किसको जो है न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है CBDT का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्सास का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का, जो आपका जून में 2022 में इसको बोल सकते हैं कि न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे CBDT के, नितिन गुप्ता या फिर निधि सिब्बर या फिर जो है आशीष झा या फिर जो एम जगदीश कुमार। तो याद रखिए, नितिन गुप्ता सर को जो CBDT के डायरेक्टर बोल सकते हैं कि चेयरमैन अपॉइंट किया गया था CBDT के जून 2022 में, और ये निधि सिब्बर बेसिकली CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जो है ये बेसिकली आपकी निधि सिब्बर जो है बोल सकते हैं कि जो है वुमेन है, इनको अपॉइंट किया गया था, और ये आशीष झा, और उसके बाद से एम जगदीश कुमार के बारे में आप याद रख सकते हैं। एम जगदीश कुमार जो है UGC के ये आपके जो है ये चेयरमैन बने थे एम जगदीश कुमार। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये आपके जो श्री नितिन गुप्ता चेयरमैन आपके CBDT के, और ये के करंट चेयरपर्सन इस समय के, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका ये डाटा है, आपको आने वाले हो सकते हैं कि समय में चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स तो हमेशा बदलता रहता है आपका, लेकिन आप याद रख सकते हैं निधि सिब्बर इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या इस आज जो आपका जो 8 जनवरी है, 8 जनवरी के दिन आप मैंने देखा साइट पे, तो आपकी निधि सिब्बर जो प्रेजेंट बोल सकते हैं करंट चेयरपर्सन है CBSE के निधि सिब्बर। और उसके बाद से आशीष कुमार झा के बारे में आप याद रख सकते हैं कि व्हाइट हाउस के ये कोरोना वायरस रिस्पॉन्स के कोऑर्डिनेटर बने हैं। ये बेसिकली आपके जो है एक फिजिशियन है, ये बोल सकते हैं कि ये इनका जो है कैटेगरी बोल सकते हैं मेडिसिन रहा है, बोल सकते हैं कि फिजिशियन डॉक्टर है एक प्रकार के, और ये व्हाइट हाउस ये अमेरिका में जो ये आपके कोरोना वायरस रिस्पॉन्स के कोऑर्डिनेटर बने हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं। ये भी आपके ऑप्शन में था आशीष कुमार झा, और एम जगदीश कुमार ये आपके जो चेयरमैन है प्रेजेंट कंडीशन में भी आप बोल सकते हैं कि आपके जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके जो है ये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है आपके सिंस फरवरी से 2022 से आप बोल सकते हैं कि वो UGC के चेयरपर्सन है आपके ये एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
इसमें से कौन सा आपका जो है सरोद सम्राट जो है बेसिकली कहा जाता है किस पर्सन को जो है इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक में, तो फर्स्ट ऑप्शन है पंडित रविशंकर प्रसाद, या फिर जो है अमीर अली खान, या फिर जो है अमजद अली खान, या फिर जो है किशन महाराज। तो याद रखिए अमजद अली खान को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरोद सम्राट इन इंडिया, सरोद के बोल सकते हैं कि सम्राट अमजद अली खान को कहा जाता है। रविशंकर के बारे में आप याद रख सकते हैं, ये सितार बजाते हैं, ऐसा पूछा जाता है कि रविशंकर का जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एसएससी एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये सितार बजाते हैं, इनका संबंध सितार से। अमीर अली खान जो है बेसिकली आपके रिनाउंड बहुत ही फेमस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर है, ये गायक है बोल सकते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर है, और ये आपके फाउंडर भी हैं इंदौर, आप बोल सकते हैं कि इंदौर घराना के, इस मीन्स ये इंदौर घराना से बिलोंग करते हैं। कभी कभी जो है आजकल तो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है एसएससी में जो है पर्टिकुलर जो आपके सिंगर जो किस घराना से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है अमीर अली खान का घराना क्या, आपका जो इंदौर घराना है। और ये बोल सकते हैं कि उनको ये फैसिलिटेट भी उनको प्रदान भी किया गया, क्या मिला है उनको जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड, और उसके साथ साथ जो पद्म भूषण से भी उनको नवाजा गया है, किनको जो है अमीर अली खान को, तो फेमस पर्सनालिटी, इनका नाम आप याद रखेंगे। पंडित किशन महाराज जो है उनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1923 से लेकर क्या बोल सकते हैं इनका ये ड्यूरेशन रहा है लाइफ का 4 मई 2008 तक, और ये आपके जो इंडियन तबला प्लेयर थे, ये तबला बजाते थे, कौन आपके जो पंडित किशन महाराज, और ये बोल सकते हैं कि बिलोंग करते थे बनारस घराना से, बनारस घराना से बिलोंग करते थे पंडित किशन महाराज, और ये हिंदुस्तानी जो आपका जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये आपका जो है बनारस घराना के आपके बोल सकते हैं कि ये क्या थे आपके जो है ये इंपॉर्टेंट आपके जो है फेमस तबला प्लेयर थे, तबला बजाते थे पंडित किशन महाराज। उस्ताद अमजद अली खान, ये आपके बारे में उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं, इनका जन्म जो है 9 अक्टूबर 1945 में हुआ था, और ये इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर बोल सकते हैं कि बेस्ट नोन सम्राट कहे जाते हैं, बोल सकते हैं कि सरोद के। और उसके बाद से जो है आपको उन्होंने क्या किया था कि उनका एक क्लियर बोल सकते हैं कि फास्ट, ये आपका जो फास्ट इकारा तांस के लिए भी उनको क्या किया जाता है कि जाना जाता है, अच्छे तरीके से जाना जाता है, किनको जो है उस्ताद अमजद अली खान जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा आपका जो है मेथड जो आपका नेशनल इनकम एस्टिमेशन का नहीं है, नहीं है, नॉट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग मेथड, एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट, या फिर इनकम मेथड। तो याद रखिए नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए 3 मेथड यूज किया जाता है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ये आपका 3 होता है, ये बैंकिंग मेथड नहीं होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड को बेसिकली, या फिर प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड के भी नाम से जानते हैं, और ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड का नाम आप याद रख सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं नेशनल इनकम को जो है क्या करते हैं मेजर करते हैं, और ये आपका सीएसओ जो होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स आपका ऑफिस जो होता है किसके अंदर आता है आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके किसको मेजर करता है बेसिकली आपका सीएसओ मेजर करता है आपका नेशनल इनकम को बोल सकते हैं, ये आपका जो किसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस भी करूंगा काफी डिटेल में एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली नेशनल इनकम का होता क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अच्छे से यहाँ पे फोकस करना है। एक्सपेंडिचर मेथड बेसिकली होता है वो कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को, या फिर जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, सीधा सीधा आपसे पूछा भी जाता है जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और ये बेसिकली जो किसको ध्यान में रखता है अकाउंट रखता है बोल सकते हैं कि फाइनल गुड्स का और सर्विसेज का जो आपका प्रोड्यूस होता है बोल सकते हैं कि कंट्री में किसके दौरान आपके जो है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक टाइम के दौरान एक पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली क्या करता है कि आपका ये एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम अकाउंट रखते हैं किसका फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो आपके कंट्री में प्रोड्यूस होता है, आप बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस जी प्लस और ये ब्रैकेट में आपका एक्स माइनस एम है, जिसका मीनिंग क्या होता है, सी मीन्स आपका कंजप्शन बाय रेसिडेंट्स ऑफ द नेशन होता है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, जी फॉर आपका जो है ये आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, जहां पे एक्स जो है वो आपका जो एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और एम आपका जो है इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, किस कैसे आप जो है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाओगे, इस फॉर्मूले के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम के जरिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन था प्रोडक्ट या फिर जो वैल्यू एडेड मेथड के भी नाम से जानते हैं, इसका अदर नाम क्या
आपका जो आउटपुट मेथड भी है और एक प्रकार का ये प्राइस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी होता है कि कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, ये तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर है। और ये क्या करता है कि बेसिकली ये किसको टेकिंग करता है, किसको ध्यान में रखता है, तो वैल्यू एड करता है बेसिकली प्रोडक्ट है ये आपका ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज, प्रत्येक स्टेज में बहुत सारे स्टेजेस में क्या करता है कि प्रोडक्ट को क्या करता है कि एड करता है, वैल्यू एडेड को बोल सकते हैं कि ये आपका एड करता है। और ये प्रोडक्शन को भी क्या करता है कि आपका ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आप बोल सकते हैं कि वेरियस स्टेजेस में ये ध्यान रखता है आपका ये प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड में एक प्रकार का एक ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं इवेल्युएट कर सकते हो नेशनल इनकम को। ये आपका जो रियल स्टेट एस्टिमेशन होता है जो आपका कंप्यूटेड किया जाता है, उसको गणना किया जाता है बोल सकते हैं कि जिसमें डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कैपिटलाइजेशन टैरिफ को या फिर जो है बोल सकते हैं कि जो प्राइस जो होता है आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम का होता है जो आपके रेंटल पेमेंट्स का होता है, उसको जरिए आप क्या कर सकते हो कि जो है आप इनकम मेथड्स के जरिए आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो जो नेशनल इनकम। और जो भी इन्वेस्टर्स जो होता है बेसिकली यूज करता है बोल सकते इस कंप्यूटेशन का किसको, वैल्यू प्रॉपर्टीज को, जो भी आपका वैल्यूज होते हैं उसके प्रॉपर्टीज को ये क्या करता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं किसके लिए, आपके जो कंप्यूटेशन के लिए। और जो आपका किस पे बेस्ड होता है, आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस्ड होता है, प्रॉफिट पे बेस्ड होता है आपका ये इनकम मेथड, इनकम मेथड हमेशा किस पे बेस्ड होगा आपका ये प्रॉफिट पे बेस्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है बोल सकते हैं, तो टर्म पार्लियामेंट जो होता है किसको रिफर करता है, टर्म पार्लियामेंट किसको रिफर करता है, राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो नेशनल लेजिस्लेचर। तो ये टर्म पार्लियामेंट जो है बेसिकली जो नेशनल लेजिस्लेचर को ये रिफर्स करता है। ये पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है आप बोल सकते हैं नेशनल लेजिस्लेचर होता है, राज्यसभा आपका जो अपर हाउस होता है और ये आपका लोअर हाउस आपका लोकसभा होता है, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लोअर हाउस किसे कहते हैं, लोअर हाउस जो है लोकसभा को कहते हैं और अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर में आपके दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है, एक आपका विधान परिषद आता है, एक विधानसभा और एक सेकंड आपका जो विधान परिषद। तो विधान परिषद किसके इक्वल होगा, विधान परिषद आपका जो है राज्यसभा, राज्यसभा को कभी हम क्या कर सकते हैं कि नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसके जो भी मेंबर्स जो होते हैं वो आपके जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये बोल सकते हैं कि जो, और प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल जो होता है 6 ईयर्स होता है राज्यसभा का। और ये विधान परिषद भी आपका जो एबॉलिश नहीं किया जा सकता है, ये आपका जो उसमें भी मेंबर्स क्या होते हैं कि आपके जो है प्रत्येक मतलब वो चेंज होते रहते हैं। ओके, और ये आपका विधानसभा और लोकसभा को क्या किया जा सकता है, एबोलिश किया जा सकता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ये आपके किस कौन से चीफ मिनिस्टर, किस बोल सकते हैं किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है आपका ये इनॉग्रेट किया गया था एक प्रोजेक्ट वुमेन के लिए, फॉर द वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बोल सकते हैं कि जो है जो क्या प्रोवाइड करा रहे थे मिल्क के साथ साथ जो एक भी प्रोवाइड करवा रही थी चिल्ड्रेन के लिए, और आप बोल सकते हैं कि सारे के सारे आंगनबाड़ीज में। तो ये बेसिकली जो है किस स्टेट का ये अच्छा सा जो आप बोल सकते हैं कि इम्प्रूव था न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए, किसका किस स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रयास था, आप ऐसा बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश, केरला या फिर जो है कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो ये बेसिकली जो है केरला गवर्नमेंट का ये अच्छा सा प्रयास था आप बोल सकते हैं, केरला के जो आपके जो है चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा जो बोल सकती है, न्यूज आपका जो 1 अगस्त 2022 का था, अब बोल सकते हैं एग्जाम आपका दिसंबर में हो रहा है और आपसे करंट अफेयर पूछा जा रहा है अगस्त का। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके जो है करंट अफेयर्स का आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में से सीजीएल जैसे एग्जाम से पूछा जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एक कैमल, ये आपका जो है कैमल में स्पेसिफिकली ऊंट होता है, और ये कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी बिल जो होता है बेसिकली एक पॉलिसी आई थी वो बेसिकली किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किया गया था, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात एंड लद्दाख, किस क्वेश्चन को आप एज्यूम कर सकते हैं। कैमल हमें देखने को ज्यादा कहाँ मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है, तो बेसिकली राजस्थान में जो है रेगिस्तान जो होता है बेसिकली हमें ज्यादा देखने को मिलता है, धूप बहुत ज्यादा होती है वहां पे, और ये बोल सकते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, कैमल को कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका जो है ये कहाँ आया था, ये कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था, इसका आंसर आपका जो है राजस्थान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इसमें से कौन सा आपका जो कौन सा प्रेसिडेंट है बेसिकली आपको बताना है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और साथ साथ जो है वो डिप्टी चेयरमैन भी थे आपके जो है प्लानिंग कमीशन के। फर्स्ट ऑप्शन है बीबी गिरी या फिर जो है के आर नारायण या फिर जो है रामास्वामी आर वेंकट रमन आप बोल सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जी आपके जो है वो प्रेसिडेंट के साथ साथ भी क्या थे आपके जो है वो डिप्टी चेयरमैन थे किसके आपके प्लानिंग कमीशन, इसलिए आंसर जो आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है फोर्थ हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गोल्गी अपैरेटस, ये बेसिकली आपका जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। तो गोल्गी अपैरेटस जो आपका मैच्योरिंग, जो आपका जो मैच्योर वाला जो फेस जो होता है ना, वो बेसिकली जो होता है वो कैसा होता है गोल्गी अपैरेटस का, गोल्जी काय का, स्फेरिकल कॉन्वेक्स या फिर बाइकॉनकेव या फिर जो है कॉनकेव होता है। तो याद रखिए कैसा होता है गोल्गी अपैरेटस का जो मैच्योरिंग फेस जो होता है बेसिकली कॉन्वेक्स होता है। और गोल्गी अपैरेटस को किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा जो है जिसको डिस्कवर किया गया था, इसको मतलब कि इसको खोजा गया था। क्लियर, गोल्गी अपैरेटस की खोज किसने करी थी, इस टाइप के क्वेश्चन आप याद पूछा जाता है। इसका आंसर आपका जो कैमिलो गोल्गी हो जाएगा। और ये कैमिलो गोल्गी के रिस्पेक्ट में जो इनको जो है किस नाम, इस सेल ऑर्गेनेल्स, ये बेसिकली कोशिकांग होता है, सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, कोशिका के अंदर देखने को मिलता है, इसे हम गोल्गी अपैरेटस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कुछ आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। ये गोल्गी अपैरेटस जो होता है इसको फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, किसने इसको डिस्कवर या फिर डिस्क्राइब किया गया था, कैमिलो गोल्गी के द्वारा, किसको, गोल्गी बॉडी को या फिर गोल्गी ऑपरेटर्स के भी नाम से जानते हैं। ये किससे मिलकर के बना होता है, तो इसमें एक सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसे हम वेसिकल्स बोलते हैं। ये आपका फ्लैटेंड सैक्स होता है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लैटेंड सैक्स होता है जिसे आप बोल सकते हैं वेसिकल बोल सकते हैं। आपका जो है ये वेसिकल्स होता है, फ्लैटेंड सैक्स होता है बेसिकली आपका, ये फ्लैटेंड सैक्स होता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, और ये अरेंज होता है अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द ईच अदर इन स्टैक्स को। बेसिकली ये स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं, जो आपका वेसिकल्स का स्टैक्स जो होते हैं उसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। एक आपका वेसिकल्स हो गया, ये आपका, ये भी वेसिकल्स है, लेकिन इसका स्टैक्स जो गुच्छा जो होता है ना, सारे को मिला करके हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि वेसिकल्स क्या होता है और सिस्टर्नी क्या होता है। बेसिकली आपका वेसिकल्स का ग्रुप जो जो आप बोल सकते हैं कि जो आपका एक लेयर में जो होता है उसे हम बोलते हैं क्या, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये आपको होना चाहिए, स्टैक मींस बेसिकली आपका वही होता है, कह सकते हैं कि जो उसमें आपके जो गुच्छे में या फिर जो कह सकते हैं कि लेयर बाय लेयर, परत बाय परत, उसी को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये आपका जो मेम्ब्रेन जो होता है बेसिकली आपका ये गोल्गी अपैरेटस का मेम्ब्रेन बेसिकली जो है किसके मेम्ब्रेन से अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसके मेम्ब्रेन से बेसिकली आपका ये अटैच होता है गोल्गी अपैरेटस, और ये आपका जो है इसलिए हम बोलते हैं कि आपका ये अनदर पोर्शन भी होता है आपका ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, किसका जो है सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के आपके जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स आपको याद रखना है। सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम के आपके चार ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड आपका जो है गोल्गी अपैरेटस, एंड उसके बाद थर्ड आपका जो है वैक्यूल्स, एंड फोर्थ आपका जो है लाइसोजोम्स। लाइसोजोम्स को कौन फॉर्म करता है, तो लाइसोजोम्स का फॉर्म करता है, इसका फॉर्मेशन जो है गोल्गी अपैरेटस के द्वारा किया जाता है। और ये भी फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम से पूछा जाता है कि ये लाइसोजोम्स का फॉर्मेशन में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका आंसर आपका गोल्गी अपैरेटस हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है सिस्टम के थ्रू आप जो है याद रख सकते हैं कि आपका ये सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम में फोर ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, बेसिकली आपको याद रखना है ये आपका वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद से जो है गोल्गी अपैरेटस हो गया, और उसके बाद से जो है लाइसोजोम हो गया। चार सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं आपके जो है सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। क्लियर, ये आपका जो मटेरियल जो होता है बेसिकली सिंथेसाइज जो होता है बेसिकली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में नजदीक में वो आपका पैकेज किया जाता है और उसको डिस्पैच किया जाता है वेरियस टारगेट्स पे, किसके अंदर, आपके जो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो किसके जरिए, आप बोल सकते हैं कि गोल्गी अपैरेटस के जरिए। तो बेसिकली आपका ये ट्रांसफर करने में क्या करता है कि आपका जो वेरियस टारगेट्स में बेसिकली आपका ये मटेरियल को क्या करता है कि डिस्पैच करने का काम करता है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। कौन, आपका जो गोल्गी अपैरेटस, इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है कि स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, और ये आपका पैकेजिंग का काम करता है किसका, प्रोडक्ट्स का, किसके अंदर, ये आपका जो वेसिकल्स के अंदर। और कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि जो इसके सुगर्स जो होते हैं वो आपके जो है किससे मिलकर के बने होते हैं, बोल सकते हैं कि सिंपल स्मॉल सुगर्स जो आपके गोल्गी अपैरेटस के होते हैं। आई होप आपको ये प्यारा सा एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा गोल्गी अपैरेटस रिलेटेड। मैंने काफी पॉइंट जो है काफी डिटेल में डिस्कस किया, और आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे सेल से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है आपका जो है गोल्गी अपैरेटस। ओके, ये प्यारा सा इमेज है, ये आपका सिस फेज है, और ये आपका ये ट्रांस फेज है, और ये आप बोल सकते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स है, और ये आपका जो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है। तो एक प्यारा सा इमेज है जिसमें आप याद रख सकते हैं, ये आपका सिस्टर्नी होता है, ये आपका स्टैक्स जो होता है वेसिकल्स का स्टैक्स ही सिस्टर्नी कहलाता है। समझ में आया ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका सिस फेज है और ये आपका ट्रांस फेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राजा राम मोहन राय जो है बेसिकली उन्होंने जो है फाउंड करी थी एक रिफॉर्म एसोसिएशन, इसे हम ब्रह्मो समाज ब्रह्मो सभा के नाम से जानते हैं, जो बोल सकते हैं कि जो है इसको बाद में चलकर किस नाम से जाना गया, ये आपका ब्रह्मो सभा को, तो देव समाज या फिर आर्य समाज या फिर ब्रह्मो समाज स्कूल या फिर जो है ब्रह्मो समाज। तो याद रखिए इसे हम जो आगे चलकर किस नाम से जानने लगे, ब्रह्मो सभा को हम ब्रह्मो समाज के नाम से जानने लगे। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है, बेसिकली आपका जो है ऑप्शन में था देव समाज। देव समाज जो है 16 फरवरी 1887 में जो अग्निहोत्री के द्वारा जिसको फाउंड किया गया था, जो आप बोल सकते हैं कि जो ब्रह्मो के इसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, जो आपके ब्रह्मो रेशनलिज्म को रिजेक्ट करके जो आप बोल सकते हैं 1887 में जो है अग्निहोत्री के द्वारा जो है आप बोल सकते हैं देव समाज को जो फॉर्म किया गया था 16 फरवरी 1887 को। आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार का हिंदू रिफॉर्म ये मूवमेंट था जिसको जो किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है, स्लोगन है कह सकते हैं, वेदों की ओर लौटो। और जो आप कह सकते हो कि जो है इनको कब फॉर्म किया गया था आर्य समाज को, तो 10 अप्रैल 1875 में, कहाँ पे, तो बॉम्बे में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बेसिकली आपका जो स्कूल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था, ब्रह्मो स्कूल से रिलेटेड ये आपको याद रखना है, ब्रह्मो बालिका शिक्षालय, ब्रह्मो बालिका शिक्षालय एक प्रकार का जो गर्ल्स स्कूल था जो कोलकाता वेस्ट बंगाल में बेसिकली आपका जो है ये इसको फाउंड किया गया था। और ये किसका प्रिंसिपल क्या था, इस पर्टिकुलर आपका जो बालिका शिक्षालय था उसका जो भी प्रिंसिपल था आपका जो ब्रह्मो समाज मूवमेंट पे बेस्ड था इसका प्रिंसिपल। और ये बोल सकते हैं कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 16 मई 1919 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और बोल सकते किसके द्वारा जो है ये आपके जो है ये साधारण ब्रह्मो समाज का जो आपका जो है 12th आपका क्या था एनिवर्सरी था इसका फाउंडेशन था, ब्रह्मो समाज का जो आपका 12th बोल सकते हैं कि जो है एनिवर्सरी था इसका फाउंडेशन का, तब ये एस्टैब्लिश किया गया था आपका जो ब्रह्मो बालिका शिक्षालय। ब्रह्मो समाज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इसको किसने फाउंड किया था, राजा राम मोहन राय, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इमेज में, एक ग्रेट रिफॉर्मर में इनको माना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। और ये इनको फाउंड कब किया गया था ब्रह्मो समाज को, ब्रह्मो समाज को फाउंडेशन ईयर आप याद रख सकते हैं 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका जो ब्रह्मो समाज का, कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप जो अच्छे से इस डिस्कशन का एंजॉय कीजिए, बहुत कह सकते हैं कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। बॉटनी का क्वेश्चन है बेसिकली आपका, ये कौन सा पार्ट जो होता है प्लांट जाइलम टिश्यू का, जो प्लांट में हमें देखने को मिलता है, जो स्टोर्स करता है, ये बेसिकली जाइलम टिश्यू का ही पार्ट है। जाइलम टिश्यू में प्लांट में देखने को मिलता है, और जाइलम टिश्यू का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है कि स्टोर्स खाद्य पदार्थ का, ये फूड मटेरियल को स्टोर्स करता है, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा या फिर जाइलम ट्रैकेट्स। जो आपका जाइलम टिश्यू आपका ये जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ना, जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली क्या करता है कि आपका ये स्टोर्स करता है किसको, जो है जाइलम टिश्यू के अंदर आप बोल सकते हैं कि आपके प्लांट्स में जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है उसमें उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा का, जो ये फूड को स्टोर करना। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जाइलम जो होता है आपका 4 सेल से मिलकर के बना होता है, जाइलम जो है 4 सेल से मिलकर के बना होता है। और जाइलम क्या करता है कि आपके वाटर में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में आपका हेल्प करता है जाइलम। ऐसे आप याद रख सकते हैं जेड फॉर जाइलम, बेसिकली XYLEM होता है जाइलम का आपका स्पेलिंग, लेकिन जो अब होता है जाइलम और जो आपका जल होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कोरिलेट करके। जाइलम जो होता है किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जल के या फिर वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। एंड फ्लोएम जो होता है आपका फूड से रिलेटेड होता है, फूड जो होता है फूड मटेरियल जो बनता है ना उसको ट्रांसपोर्ट में आपका हेल्प करता है आपका ये फ्लोएम। क्लियर, तो यहाँ पे मैं जाइलम की बात कर रहा हूँ, तो जाइलम के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जाइलम 4 सेल से मिलकर के बना होता है, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये आपका जाइलम ट्रैकेट्स है, यहाँ पे हमें पिट्स नजर आता है, स्पिंडल टाइप सेल होते हैं आपके जाइलम ट्रैकेट्स, पिट्स भी नजर आता है, और ये आपका वेसल्स में भी पिट्स नजर आता है, ये आपका जाइलम वेसल्स है, और ये आपका जाइलम पैरेन्काइमा है, और यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म नजर आएगा और उसके अंदर न्यूक्लियस भी नजर आएगा। तो जाइलम पैरेन्काइमा आपका जो है ये बोल सकते हैं कि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, इट मींस आपका ये लिविंग सेल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा आपका लिविंग सेल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। ट्रैकेट्स वगैरह उसके बाद साथ से आपका वेसल्स जो होता है बेसिकली थिक वॉल्ड होता है और बहुत सारे डेड सेल्स से मिलकर के बना होता है आपका ये जाइलम ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स। और जब ये मैच्योर होता है तो आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे डेथ हो जाते हैं, इसकी डेथ हो जाती है, इट मींस कि आपके जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आपके थिक वॉल और उसके साथ साथ डेड सेल होते हैं। जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल जो होते हैं आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जाइलम ट्रैकेट्स एंड वेसल को। और उसके बाद से ये बेसिकली अलाउ करते हैं, किसको अलाउ करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स को जो ऊपर की तरफ चढ़ने में क्या करते हैं कि आपके हेल्प करते हैं जाइलम ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स। और ये जाइलम पैरेन्काइमा का क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है फूड मटेरियल को स्टोर्स करना। और जाइलम फाइबर्स जो होता है मेनली आप बोल सकते हैं कि ये सपोर्टिव इन फंक्शन होते हैं, ये सपोर्ट प्रदान करते हैं प्लांट को, क्या करते हैं कि सपोर्ट प्रदान करते हैं खड़े रहने
में आप कर सकते हैं कि जो है ये सपोर्ट प्रदान करते हैं जाइलम फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन जो आपके कंपोजर्स थे जिन्होंने जीता था बेसिकली ग्रैमी जो है 2015 में अपने एल्बम के लिए। उन एल्बम का नाम क्या था आपका जो है विंड्स ऑफ समारा, और ये आपका जो एक कोलाबोरेशन था किसके साथ जो है साउथ अफ्रीकन फ्लेस्विस्ट वाउंटर केलरमैन के साथ। तो बेसिकली इसमें से कौन से आपके जो है वो कंपोजर्स थे आपको आंसर करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो मैनो मैनो मूर्ति और सेकंड ऑप्शन जो है रघु दीक्षित, ऑप्शन सी आपका जो है सुभाषीष घोष, या फिर जो है आपका फोर्थ आपका जो है रिकी केज। तो इसका आंसर आपका जो है रिकी केज हो जाएगा। इन्हीं का ये एल्बम था आपका जो है आप बोल सकते हैं इनको जो ग्रैमी मिला था 2015 में विंड्स ऑफ समारा कोलैबोरेशन किसके साथ जो है साउथ अफ्रीकन फ्यूचरिस्ट आपका जो है वाउंटर केलरमैन के साथ। ओके, तो इसका आंसर आपका जो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसमें से कौन सा आपका जो है इंडियन स्टेट्स है जहां पे हड़प्पन सिटीज जो है आपका पाया नहीं जाता है। हड़प्पन साइट्स तो है नहीं वहां पे, वो आपको चूज करना है उत्तराखंड में या फिर गुजरात में या फिर जो है राजस्थान में या फिर हरियाणा में। तो उत्तराखंड में कोई भी आपको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी साइट्स तो आप देखने को नहीं मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं साइट्स डिस्कस करूंगा जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पे मैप भी है, मैप में भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये आपका नाम मेंशन है हड़प्पा। हड़प्पा जो है आपका फर्स्ट साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इसलिए हम बोलते हैं इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये आपका इंडस नदी के किनारे ये सभ्यता काफी डेवलप हुई थी इसलिए इसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, उसके बाद से जो है ये कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, लोथल गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपका जो चनहुदड़ो हो गया आलमगीरपुर बेसिकली यूपी में पड़ता है, यूपी मेरठ में आपका ये आलमगीरपुर ये देखने को मिलता है। ये भी रिसेंट एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा गया था आलमगीरपुर जो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस स्टेट में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है आलमगीरपुर, यूपी आपका मेरठ में पड़ता है। नेक्स्ट आपका कोट दिजी हो गया, आमरी हो गया, उसके बाद से रोपड़ सतलज नदी के किनारे देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मांडा हो गया, उसके बाद से जो है बनवाली, उसके बाद से जो है सुरकोटा, और उसके बाद से जो है सुतका गेंडोर आपका गुजरात में पड़ता है, उसके बाद से जो है राखीगढ़ी ये हरियाणा में पड़ता है, और ये धौलावीरा ये आपका गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट साइट से लोथल फोर्ट बेसिकली आपका बंदरगाह भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल, और ये बालाकोट, उसके बाद से जो है नागेश्वर। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। धौलावीरा हो गया, ये आपका सुरकोटा, और ये लोथल ये आपके जो है कुंतासी, सारे के सारे आपके गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। ये आपका हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये आपका गनेरी वाला है, और ये आप थोड़ा सा आप जो है इनको रीड कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक होता है। ये आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हर प्रत्येक साल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये आपका जो बर्निंग ऑफ कोयल जो होता है किसका एग्जाम्पल है, बर्निंग ऑफ कोयल जो किस टाइप के जो आपका रिएक्शन होता है कोयले का जलना। तो बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शन होता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, ये आपका फिजिकल भौतिक क्रिया नहीं होता है, आपका ये रासायनिक अभिक्रिया होता है बर्निंग ऑफ कोयल। फर्स्ट ऑप्शन आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल बेसिकली जो होता है आपका जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका एनसीईआरटी का ही मैंने जो है पॉइंट को डिस्कस यहाँ पे इंक्लूड किया है स्लाइड में। ये आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या फिर जो एडिशन रिएक्शंस। अगर आप 12th केमिस्ट्री में जाएंगे या फिर जो बीएससी केमिस्ट्री, तो उसमें काफी डिटेल में होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन आपके 10th लेवल पे और आपके एग्जाम्स के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आपकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद से आपको काफी कंफर्ट फील होगा कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट टाइप है आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, कॉम्बिनेशन का है या फिर जो एडिशन का या फिर योगात्मक का है। मैं हिंदी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोस्टली जो एस्पायरेंट्स होते हैं एसएससी सीजीएल के उनका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा होता है, और क्योंकि वो मान लीजिए किसमें इंग्लिश की भी पेपर आती है, इंग्लिश के भी जो सब्जेक्ट इंक्लूड, इसमें हिंदी तो आती नहीं है, तो इंग्लिश में आप लोग कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कोई ज्यादा ये, बस केवल मैं टर्म ही तो यूज कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बेसिकली हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, एडिशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर जो है आपका ये
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली प्रतिस्थापन होता है, और नेक्स्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपका जो है ऑक्सीकरण और अपचयन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपके फाइव इंपॉर्टेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये आपके क्लास 10th एनसीईआरटी का बुक कहता है, ओके मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है आपको ये समझना है, ये आपके एरो के ये आपके जो इस साइड जो होते हैं लेफ्ट साइड जो होती है बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होंगे एक या दो से अधिक आपके जो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे, एडिशन है तो क्या होंगे जोड़ होगा और ये मिलकर के क्या बना देंगे प्रोडक्ट बना देंगे, और ये उसके साथ साथ जो है एक या दो से अधिक आपको प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा उत्पाद भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन या फिर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल को मेंशन किया, आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है क्विक लाइम है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बोल सकते हैं स्लैक लाइम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, उसके साथ साथ जो है इसमें हीट भी रिलीज होती है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देखने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है इंप्रूव करना है, ये आपका जो भी मैं लिखा हूं ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे आपका देखने को मिलेगा, रिएक्शंस इस फॉर्मेट में होते हैं, क्लियर। इस तरीके से आपको जो इस पे ध्यान देना है, क्लियर। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ साथ जो वाटर। बर्निंग ऑफ कोल, देखिए आपसे पूछा डायरेक्टली, बर्निंग ऑफ कोल जो है किसका एग्जांपल है आपका जो है ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट मींस कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये एक प्रकार का जो बर्निंग ऑफ कोयल एक प्रकार का जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली पूछे गए, और मैंने एनसीईआरटी को ही बेस बनाकर किस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी का ही मैटर है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये आपका जो है H2 और उसके साथ जो O2 दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि आपका हाइड्रोजन गैस और वाटर गैस दो ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के जो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, वेरी सिंपल ये आपका H2O होता है। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके जो एडिशन रिएक्शन से एडिशन रिएक्शन के। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका जो कंपाउंड होता है, मान लीजिए कोई एक AB कंपाउंड है, AB कंपाउंड क्या होगा कि दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या होगा कि आपका जो एक या एक से अधिक भी कह सकते हैं ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका ये टूट जाता है, डिकम्पोज होना टूट जाना बट जाना ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये दो या दो से अधिक ये आपके सिंपलर सबस्टांसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ए बी आपका एक कंपाउंड है वो आपका ए और बी में क्या हो जाएगा इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे एग्जांपल है आपका ये फेरस सल्फेट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है जब इस पे हम ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वैसे हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट आपने दिया तो हीट देने के बाद से आपका फेरस सल्फेट जो होता है वो आपका ये Fe2O3 और उसके साथ साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद से जो है सल्फर ट्राई गैस में सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस में बेसिकली इसका ब्रेक डाउन हो जाता है फेरस सल्फेट का। नेक्स्ट आपका जो है CaCO3 से हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, मार्बल का फॉर्मूला, चॉक का फॉर्मूला, उसके बाद से लाइमस्टोन, तीनों का फॉर्मूला आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जब इसमें हीट अप्लाई करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस ही दोनों में क्या होता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है हमें देखने को मिलता है। आपको याद रखना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली जो होता है या तो हीट इसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब हीट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हीट इसमें की रिक्वायरमेंट हो रही है तो इस टाइप के हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और ये आपका जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 को हम क्या बोलेंगे? लेड नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PbNO3 को लेड नाइट्रेट बोलेंगे। और जब इस पे हम हीट अप्लाई करेंगे तो आपका ये लेड नाइट्रेट किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? इसका लेड ऑक्साइड में, उसके बाद से जो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और उसके बाद से जो ऑक्सीजन गैस में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसका? PbNO3 का, लेड नाइट्रेट का। नेक्स्ट आपको जो है ध्यान देना है, अगर आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में भी होता है ब्रेक डाउन होता है किसका? जो है आपका ये कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का, जैसे कि आपका जो है ये सिल्वर, आपका जो है सिल्वर क्लोराइड है, ये आपका जो है ग्रे हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो 2Ag और Cl2 में क्या होता है कि आपका ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr आपका सिल्वर ब्रोमाइड है और ये सनलाइट के प्रेजेंस में जो है सिल्वर और उसके साथ साथ जो है Br2 ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन इसका हमें देखने को मिलता है। और ये जो रिएक्शन जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है आपका, ये दोनों रिएक्शन बोल सकते हैं AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट बोल सकते हैं फोटोग्राफी में, ओके। और हमने ये देखा कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो क्या रिक्वायर होता है उसके लिए
एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है या तो जो है हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। और इसके थ्रू क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए तीन आपकी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट आपका हीट की रिक्वायरमेंट होगी, हीट चाहिए, या फिर दूसरा बोल सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है लाइट भी चाहिए, क्योंकि लाइट जो होता है लाइट से हमें फोटोन की एनर्जी मिलती है। फोटोन क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हायर क्लासेज में एमएससी लेवल में बेसिकली जो है एक ब्रांच भी होता है फोटो केमिस्ट्री। तो फोटो केमिस्ट्री में कैसे केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो रिएक्शन आपका जो है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है फोटो केमिस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो लाइट भी क्या कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप यहाँ पे तीन फैक्टर याद रखेंगे किसके लिए, आपके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। फर्स्ट आपका जो हीट हो सकता है, सेकेंड आपका लाइट हो सकता है, थर्ड आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं रिएक्टेंट्स को। और ये जो रिएक्शन जो होता है जिसमें आपका जो एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी दिया जाता है, बाहर से दिया जाता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्मा अवशोषी बोलते हैं, उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। और एक अनदर टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक ऊष्मा छेपी रिएक्शन बोल रहे होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है किस रिएक्शन में ऊष्मा निकल रही होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्मा छेपी बोलते हैं, जिसमें आपके हीट की बोल सकते हैं कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक ऊष्मा अवशोषी बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन होता है जहां पे आपका एटम और ऑपोजिट ऑफ एटम्स होते हैं, इसको डिस्प्लेस किया जाता है अनदर एटम के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपका ए है और ये बी और सी, ये आपका दो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली क्या करेगा, ए जो है जो है आपका जो है ये इसमें से जो है बी को रिप्लेस करके जो इसके साथ क्या हो जाएगा कि आपका जो है ए इसके साथ अटैच हो जाएगा और बी जो है बाहर आपको देखने को मिल जाएगा, बी को बाहर कर देगा। तो ये बेसिकली रिएक्टिव ज्यादा हाईली रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होता है। ये आपका अगर ये ए जो है बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो बेसिकली बी को हटा करके आप उसके जगह पे सी के साथ अटैच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेस कर देना, किसी के जगह को हटा देना उसके जगह से और अपने खुद को वहां पे जुड़ जाना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं प्रतिस्थापन प्रक्रिया। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं फेरस और ये आपका कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे फेरस की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो ये आप जो है इसमें यहाँ पे क्या होगा कि आपका फेरस जो होगा वो बेसिकली कॉपर को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे जो सल्फेट के साथ जाकर के अटैच हो जाएगा और कॉपर आपको बाहर नजर आता हुआ बेसिकली ये बाहर नजर आपको आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये कॉपर सल्फेट में जो है आपका फेरस क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर, तो आपका ये आयरन सल्फेट हो गया। नेक्स्ट आपका जो है इस रिएक्शन में आपका आयरन जो होता है डिस्प्लेस किया जाता है, रिमूव किया जाता है एंड दूसरे एलिमेंट्स के द्वारा कॉपर जो आपके बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में बेसिकली जो है उसको डिस्प्लेस किया जाता है। क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा, फेरस की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर के रिस्पेक्ट में इसलिए उसको डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक में और कॉपर सल्फेट में, तो ये आपका जिंक सॉल्यूशन में कॉपर को क्या करेगा कि आपका ये जिंक जो है मोर रिएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू द कॉपर, तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा कि जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कहेगा तुम भाग जाओ यहाँ से, मुझे सल्फेट के साथ क्या हो सके जुड़ने दो, ये सल्फेट है आपका SO4, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। लेड है और उसके बाद से ये कॉपर क्लोराइड है, तो ये बेसिकली आपका जो है ये क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर ये बोल सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए कॉपर अगर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रस, और ये थर्ड स्टेट में होता है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रिक। कॉपर टू और ये आपका कॉपर थर्ड होता है। क्लियर, क्यूप्रस क्यूप्रिक होता है बेसिकली, आपको याद रख सकते हैं। तो ये बेसिकली लेड जो होता है वो कॉपर के रिस्पेक्ट में, लेड जो होता है रिएक्टिव ज्यादा होता है, तो यहाँ पे कॉपर को हटाएगा और खुद जाकर के क्लोरीन से अटैच हो जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे लेड क्लोराइड और उसके बाद से कॉपर जो है बाहर नजर होता हुआ नजर आएगा। जिंक और लेड जो होता है मोर रिएक्टिव, देख रहे हैं ना यहाँ पे जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू द कॉपर, और ये डिस्प्लेस कर देगा किसको, आपको जो कॉपर से इसके कंपाउंड से। क्लियर, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी क्या होता है, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। इस रिएक्शन में हमें क्या होता है कि एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, और रिएक्टेंट्स में आप बोल सकते हैं इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आपका ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 और ये आपका बेरियम क्लोराइड है BaCl2, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो आपका ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और ये आपका ये क्लोरीन आयन किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका सोडियम के साथ, और यहाँ पे आपका बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज
एक्सचेंज हुआ, तो आयन का एक्सचेंज हुआ, इट मींस बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन देखने को मिला और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। जी बोल सकते हैं कि Na आयन, Na आपका पॉजिटिव, ये भी एक केटायन हुआ और ये आपका क्लोरीन जो एनायन हुआ, तो यहाँ पे आयन का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे सल्फेट आयन हुआ और यहाँ पे आपका बेरियम आयन हुआ, Ba डबल पॉजिटिव। तो ये बेसिकली आपका डबल पॉजिटिव होता है बेरियम पे, इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है बेरियम का। तो ये आपके जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो है इसमें आयन का एक्सचेंज देखने को मिलता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, और यह एक प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ रिएक्शन था ऑक्सीजेशन एंड रिएक्शन, ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन, इसको भी मैं डिस्कस कर दूं, जिससे आपका एक होल बोल सकते हैं कि एक टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आपका जो ऑक्सीजेशन एंड रिडक्शन जो आपका जो होता है, मैं बात करूं कि किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आपका जो है ऑक्सीजन का गेन होता है, और उसके बाद से जो है रिडक्शन में क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। किसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को आप जो है हाइड्रोजन ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन रिडक्शन में आपका जो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये अपोजिट होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ऑक्सीडेशन में, और गेन होता है आपका जो है किसमें, आपका जो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, किसमें, रिडक्शन में। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ये आपका कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, क्या ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO से यहाँ से ऑक्सीजन आपका रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। देखिए H2 से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जो है यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना आपका ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन रिमूवल आपका क्या होता है कि आपका जो है ये रिडक्शन होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और ये वाटर में जाकर से वाटर से H2 से जाकर अटैच होकर के वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है। यदि कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन गेन होता है तो किसी रिएक्शन के दौरान में, तो उसे हम बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है किसी रिएक्शन के थ्रू, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो आपका ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड होना उसके बाद से रिड्यूस्ड होना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये टर्मिनोलॉजी। एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन और भी देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली आपका जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड जो है ये कार्बन के साथ अटैच होता है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का रिमूवल या आपका रिडक्शन हो रहा है, और सी के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन के साथ जो है आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका जो है ऑक्सीडेशन होता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपका जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है। इट मींस ये आपका पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेडॉक्स रिएक्शन मींस रिडक्शन भी होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में आपका आरईडी से क्या होता है रिडक्शन, और ओएक्स में आपका ऑक्सीडेशन। तो साथ साथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का होना बोल सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ये दोनों प्रोसेस साथ साथ देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेट का, और काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आपका ये 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो हो चुका है, और काफी मैंने डिटेल में डिस्कस किया, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा। ये जो आपका फोर्थ मोस्ट लाइट जो होता है अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज, ये आपका जो है राइट अमंग्स राइट टू फ्रीडम, ये आपका कौन सा राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर प्रिवेंशन डिटेंशन, या फिर फ्रीडम टू असेंबल, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली आपका जो है फोर मोस्ट राइट जो होता है आपके अमंगस्ट सारे राइट्स के बीच में, राइट ऑफ फ्रीडम के बीच में आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइट जो होता है, फोर मोस्ट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करना है, आर्टिकल 19 में आपका जो है प्रोडक्ट 6 प्रकार के राइट्स मेंशन है जो आपको किससे कंसर्न है। पहला आपका जो राइट है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आपका जो है कंसर्न रखता है, आपका जो फर्स्ट आपका ये राइट्स जो आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट्स आपके मेंशन है। सेकंड आपका असेंबल करना से आपका जो रिलेटेड है। थर्ड आपका जो एसोसिएशन से रिलेटेड है, आप संघ बना सकते हो, आप मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, रेसिडेंस निवास करना, और उसके बाद से जो प्रोफेशन,
कि आपके प्रोफेशन से होता है, आपके व्यवसाय से रिलेटेड होता है। तो आपके 6 राइट्स आपके मेंशन है आर्टिकल 19 में। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपका जो है SSC CGL Tier 1 2022 जनरल अवेयरनेस का ऑल 25 क्वेश्चंस को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया। ये आपका जो पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 को, ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था, 9 AM से लेकर के 10 AM शिफ्ट का ये आपका पर्टिकुलर ये पेपर हेल्ड हुआ था। आई होप आपने इस वीडियो को काफी अच्छे से एंजॉय किया होगा और इसके एक्सप्लेनेशन को भी आपने समझने का पूरा प्रयास किया होगा। इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चाहते हैं कि हमें 40 सेट्स, क्योंकि आपके जो है SSC CGL Tier 1 2022 के एग्जाम्स में 40 सेट्स हैं आपके जो है, 40 सेट्स में आपके बोल सकते हैं कि जो है शिफ्ट में एग्जाम्स हुए, तो 40 सेट्स आपके हर एक सब्जेक्ट के हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करते हैं और वीडियो का फीडबैक अच्छा आता है तो मैं 40 के 40 सेट में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।